विधानसभा चुनाव के तहत आज असम की 65 और पश्चिम बंगाल की 18 विधानसभा सीटों पर मतदान हुआ है। असम में 70% वोट पड़े हैं, हालांकि ये पिछली बार के मुकाबले अभी तक 5% कम है। तो वहीं पश्चिम बंगाल में 80% मतदान हुआ, जो पिछली बार के मुकाबले लगभग 3% कम है। ये आंकड़े अभी बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि जब तक ये आंकड़े आए थे उस वक्त तक देर शाम तक पोलिंग बूथ पर लंबी लंबी लाइनें लगी हुई थी। पांच राज्यों के चुनावी महासमर की शुरुआत हुई सोमवार को असम और पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए मतदान से, जिसमें बड़ी संख्या में मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। दोनों राज्यों में सुबह से ही मतदान केंद्रों पर लाइन लगी रही और लोगों में जबरदस्त उत्साह दिखा। दोनों ही राज्यों में मतदान शांतिपूर्ण रहा। असम एज द लास्ट रिपोर्ट हैज बीन रिसीव्ड, द पोलिंग परसेंटेज एट 5 PM reported is 70%. As far as West Bengal is concerned, the polling percentage is at 5 PM was 80%. For 2011, for these corresponding constituency 65 number in Assam, 75% was for 2011. So it is 83.72 for West Bengal. असम में पूर्वी, उत्तरी और दक्षिणी हिस्सों में स्थित 14 जिलों के 65 निर्वाचन क्षेत्रों में वोट डाले गए। इस चरण में कुल 539 उम्मीदवार चुनाव मैदान में थे। सुचारू मतदान सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और राज्य सशस्त्र बल की कई कंपनियां तैनात की गईं। लोगों ने लंबी लंबी कतारों में लगकर वोट डाला। राज्य में पहले चरण में कुल 70% मतदान हुआ, जो पिछले चुनाव के मुकाबले 5% कम है। इस चरण में कई VIP मतदाताओं ने भी मतदान किया। असम के मुख्यमंत्री तरुण गोगोई और उनके बेटे गौरव गोगोई ने जोरहाट में वोट डाला, तो BJP के CM उम्मीदवार सर्वानंद सोनोवाल ने डिब्रूगढ़ में वोट डाला। पश्चिम बंगाल में सोमवार के पहले चरण के मतदान के तहत 18 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए मतदान हुआ। इस चरण में जिन क्षेत्रों में मतदान हो रहा है उनमें पश्चिम मिदनापुर, पुरुलिया और बांकुड़ा जैसे जिले शामिल हैं। आज के चुनाव में करीब 40,09,000 मतदाताओं ने 133 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला किया। राज्य में पहले चरण में कुल 80% मतदान हुआ, जो पिछले चुनाव के मुकाबले 3% कम है। हालांकि इन आंकड़ों में मामूली फेरबदल भी संभव है। दोनों राज्यों में पहले चरण का मतदान शांतिपूर्ण ढंग से निपट गया है और लोगों के जोरदार उत्साह से साफ है कि हर कोई लोकतंत्र के इस पावन पर्व में अपनी हिस्सेदारी सुनिश्चित करना चाहता है। असम और पश्चिम बंगाल में चुनाव टीम के साथ News Night Desk DD News। और आज के पहले चरण के मतदान पर बात करने के लिए हमारे दो सहयोगी संवाददाता हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ में असम से मौजूद हैं विक्रमजीत सिंह, और उसके अलावा पश्चिम बंगाल से मंजीत ठाकुर हमारे साथ मौजूद हैं। पहले रुख करते हैं विक्रम का, और विक्रम, अगर देखा जाए तो अच्छा खासा उत्साह देखने को मिला है। 70% से ज़्यादा लगभग मतदान हुआ, लेकिन फिर भी पिछली बार के मुकाबले ये आंकड़ा थोड़ा सा कम है, उसकी वजह क्या मान रहे हैं वहाँ पर लोग? देखिए, जो मतदान है जो असम का, वो अमूमन 70% से के आसपास ही रहता है, लेकिन जिस प्रकार का आंकड़ा चुनाव आयोग की तरफ से आया है 5 बजे तक का 70%, तो स्वाभाविक है कि ये आंकड़ा अगर 2011 के साथ कंपैरिजन किया जाए तो उस समय कांग्रेस को 39% वोट प्रतिशत मिले थे, जबकि BJP को 11% वोट प्रतिशत मिले थे। और 2014 में BJP का ग्राफ एकदम जंप किया 26% तक, और जबकि कांग्रेस 39% से 29% आएगी। लेकिन 2014 में जो पोलिंग परसेंटेज था टोटल वो इस इलाके का वो 79% था, लेकिन इस बार जो 2011 के अगर विधानसभा चुनाव से कंपैरिजन करें तो जितना पोलिंग प्रतिशत कम हुआ है, तो ये 19 मई को ही पता चल पाएगा कि ये कौन सी पार्टी के पक्ष में गया है और कौन सी पार्टी को इसका घाटा हुआ है। बिल्कुल विक्रम, आप रहिए हमारे साथ में, हमारे सहयोगी मंजीत भी मौजूद है। मंजीत, अगर पश्चिम बंगाल की 18 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो में बड़ा इलाका जंगल महल जैसे इलाकों का था, जो कि नक्सल प्रभावित इलाकों के तौर पर जानते हैं, सुरक्षा के लिहाज से एक बड़ी चुनौती थी, फिर भी 80% से ज्यादा मतदान। देखिए, निश्चित रूप से जानना ये बहुत दिलचस्प होगा आर्यन्द्र, कि इस इलाके में सुरक्षा के बड़े मुस्तैदी से इंतज़ाम किए गए थे। सिर्फ झाड़ग्राम और लालगढ़ का जो इलाका है उस इलाके में ही 170 कंपनियां लगाई गई थी केंद्रीय सुरक्षा बलों की, और जो कहते हैं कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता, जो इलाका कभी लैंड माइन से पटा हुआ था, जहाँ पर सिर्फ 2010-11 में 350 लोगों की जान नक्सली हिंसा में गई थी, वहाँ एक भी अप्रिय वारदात
नहीं होना निर्वाचन आयोग की जो कामयाबी है उसकी दास्तान है। और इसके अलावा बड़े पैमाने पर 80% सिर्फ 5 बजे तक था ये आंकड़ा, निश्चित रूप से जिस तरह मैंने देखा है वो आंकड़ा जरूर 84-85% के आसपास तक जाएगा। और ये आंकड़ा जो है संतुष्टिदायक इसलिए भी है क्योंकि महिलाओं ने सुबह 6:30 बजे से कतार लगाकर, 7 बजे से वोटिंग शुरू हुई थी लेकिन 6:30 बजे से कतार लगाकर वोट अपना मताधिकार का इस्तेमाल किया। और निश्चित रूप से ये जो इलाका है, अगर आप कहें विकास एक बड़ा मुद्दा है, शांति एक बड़ा मुद्दा है, महिलाओं ने बढ़ चढ़कर बताया कि विकास और शांति के लिए उन्होंने वोट दिया है क्योंकि अयोध्या हिल्स जो पुरुलिया में पड़ता है वो जंगल महल का एक ऐसा इलाका है, 106 गांव है उस हिल्स के आसपास, सिर्फ एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर, लड़कियों के लिए कोई स्कूल नहीं, कोई कॉलेज नहीं, अभी भी ये स्थिति है। सड़कें हालांकि बन रही है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जैसी या मनरेगा के जरिए कुछ रोजगार पैदा किया जा रहा है लेकिन बेरोजगारी और पानी ये बड़ी समस्या है इस इलाके की। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है जो जो समस्याएं उसको ध्यान में रखते हुए मतदाता घरों से निकले होंगे, उन्होंने अपना मतदान किया होगा। बहुत शुक्रिया मंजीत आपका और विक्रम आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए।